अमानगढ़ में पर्यटन शुरू होने के बाद अब पीली डैम पर भी पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सिंचाई विभाग की टीम ने पीली डैम पर पहुंचकर इसकी जानकारी ली। टीम सदस्य डॉक्टर सिंह जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड ओलंपिक ने बताया, सर जो आज आपकी विजिट हुई है पीली डैम पे, सर उस किस पर्पज से है सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए टीएचडीसी के असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर साहब जो भी साथ में है आदरणीय त्रिपाठी जी, आपसे जिलाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया था और आपने मुझे कहा और एज ए टेक्निकल कि यहां पे क्या क्या पर्यटन की संभावनाएं हैं, कैसे ये पीली डैम को विकसित किया जा सकता है पर्यटन के हिसाब से, तो जिलाधिकारी महोदय बहुत ज्यादा इसमें जो है उनका जो विजन बातचीत से लगा, तो मुझे लगा कि वास्तव में इसको पर्यटक स्थल के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके लिए आज जो है सचिन साहब के साथ विजिट करने आए हैं यहाँ पे। और देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही बेहतरीन एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है और जो स्पोर्ट्स एडवेंचर या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या टूरिज्म के हिसाब से सारी चीजों की संभावना यहां भरपूर है। और मैं सोचता हूं कि अगर जिलाधिकारी महोदय जिस तरह से बहुत ज्यादा इसके लिए सेंसिटिव हैं और सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम सब लोग मिलकर भारतीय कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन, जितना भी सहयोग होगा हम जिलाधिकारी महोदय का करेंगे, सिंचाई विभाग के अधिकारी महोदय का करेंगे और बहुत जल्दी इसको एक ऐसे डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है जो पर्यटन के हिसाब से बहुत ही जो है उचित होगा। धन्यवाद। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर टिहरी डैम त्रिपाठी, पीएक सिंह, राकेश कुमार सहित विभागीय कर्मी मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट।